टू माई चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है वो है विच कूलिंग मीडिया इज बेस्ट फॉर कूलर, यानी वुडवर्ल और हनी कॉम्पैक्ट। गाइज, हनी कॉम्पैक्ट और वुडवर्ल में वैसे तो बहुत सारा डिफरेंस है, आपको क्या बताऊँ मैं, बट इन दोनों ही कूलर्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आइए अपन जानते हैं इन दोनों पैड्स के बारे में। गाइज, ये वुडवर्ल पैड की अगर बात करें तो ये कॉस्ट एफिशिएंट है, मार्केट में इसकी इजी अवेलेबिलिटी हो जाती है, और इसकी प्राइसिंग की अगर अपन बात करें तो ये सिर्फ 100 से 150 रुपये पर पैड अवेलेबल हो जाता है। पर पैड मीन्स पर सेट अवेलेबल हो जाता है, और इसकी कूलिंग का कोई तोड़ नहीं है, ये सालों से कूलिंग में नंबर वन रहा है। और वहीं अगर अपन हनी कॉम पैड की बात करें तो हनी कॉम पैड मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, खास करके रूरल एरियाज में। इसकी जो वैल्यू है वो 1000 से 1200 रुपये पर पैड आती है। गाइस, ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, एंड वुडवर्ल के कंपैरिजन में कूलिंग में भी ये लेस एफिशिएंट है। गाइस, अगर इन दोनों के मेजर डिफरेंस के बारे में अपन बात करें तो वुडवर्ल जो है वो सिर्फ एक सीजन चलता है, एंड हनी कॉम 4 से 5 सीजन चलता है। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 साल चलता है तभी इसकी वैल्यू जो है मार्केट में ज़्यादा रहती है। और अगर आपके घर में क्लोरीन वाटर है, सोल्टी वाटर आता है, तो इनकी लाइफ और कम हो जाती है, यह आपको जल्दी भी बदलने पड़ सकते हैं। गाइज, एज पर माई टेस्टिंग एंड ओपिनियन, वुडवर्ल की कूलिंग हनी कॉम से ज़्यादा है, क्योंकि वुडवर्ल पैड लकड़ी से बनता है, हनी कॉम पैड कागज से बनता है, एंड ये सालों से वुडवर्ल पैड सक्सेस रहा है, और हनी कॉम मार्केट में पिछले 6-7 सालों से हैं। सो गाइज, आप अब दोनों पैड्स की क्वालिटीज़ के बारे में जान चुके हैं। अगर आपको पैड कॉस्ट एफिशिएंट चाहिए एंड कूलिंग एफिशिएंट चाहिए तो आप वुडवर्ल में जा सकते हैं, एंड आप अगर एफोर्ड करते हैं तो आप हनी कॉम पैड में जा सकते हैं, ये सालों साल अपने को बदलना नहीं पड़ेगा। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। स्टे एट होम, स्टे सेफ।